उस पार्टी ने वोट जो बढ़िया है कि वोट नहीं देंगे किसी ने भी, क्यों मोदी नाम देवे नहीं, वो रंडुआ है। और उसका बस चलाना वो गली में आगा तो उसने चूड़ी पहना के यही ना चाहूंगी मैं, उसने तो हम कति वोट नहीं दे, मारे ओर से तो मोदी मर गया। राम मंदिर बनाया कि मुसलमान है आधा, राम मंदिर के बनाया, राम मंदिर तो हमने बनाया है। और इसने क्या करा मोदी ने, मोदी राजा है, मोदी बड़ुआ है। मैं तो कह रही हूँ वो उसके तो मरेगा ना, मैं तो उसके है ना चप्पल जूतों की माला और पहना कहूंगी। दीपेंद्र ने काम करा था, कांग्रेस के राज में कितना काम हुआ है सर, शहर चकाचौंध होया करता और अब शहर में अंधेरा है, औरतों की इज्जत नहीं, आजकल बेटियां सुरक्षित नहीं है, क्या सुरक्षित हैं, क्यों थाने में जावे उनकी सुनवाई नहीं, नुकाओगे तुमने वोट ऐसे से दिया है। और कहीं डिपो राशन डिपो पर ले जा, जिनके बिल्डिंगें बन रही हैं उनका राशन मिल रहा है, और जो गरीब आदमी उनने क्या है, कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारा नाज भी ढंग से नहीं खा सकता। दाल है कल 30 रुपये, आज 35 रुपये दाल पाई है, दाल बिस्कुट का पैकेट है, रेट वही और घटा दिए, कर के रहा है ये, कुछ नहीं कर रहा है, ऐ है फांसी खान के दिन आ रहे हैं। नोटबंदी कर दी इसने, सारी नोटबंदी कर दी, कौन बना दिया, काला धन बाहर निकाल दिया, गरीबों का धन खत्म, जिन माता बहनों ने थोड़े बहुत पैसे जोड़ रखे उनके पैसे निकलवा दिए, छुपा छुपा के बेचारी जोड़ा करती, हम तो गरीब हो गए। और फैक्ट्री बनवा दी अदानी अंबानी ये बना दिए, और गेहूँ इसने सारे उस पर कर दिया, इनका बस नहीं चले, लुगाई उन्हें प्राइवेट बेच दे, इतना गंदा मोदी है। कांग्रेस ने वोट देंगे, और जहाँ तक मैं देख रही हूँ ना तो कहाँ कुछ भी तो ना है जज्जर में जिसमें लेडीज कमा के खा सकें, ज़्यादातर आधी सी लेडीज हैं पढ़ी लिखी भी हुई घूम रही हैं, बेटी की सुरक्षा नहीं है, और पढ़ी लिखी भी झाड़ू पोछा करती आंड रही हैं 2000 रुपये में, 1500-1500 रुपये में, कोई में काम कुछ काम हो जो लेडीज अपने कमा के खा सकें। जैन से दारू पी के अपने घर बर्बाद कर रहे हैं, ऊंट लेडीज से थाने तहसील जाती हैं तो किम में कोई कार्रवाई नहीं, कहते भगा देते हैं, क्या है लेडीज के लिए है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बचा के क्या फ़ायदा जब उनकी इज्जत ही नहीं है ना, उसका कोई मायने नहीं है तो। और मोदी ने जो करा है महंगाई ये कुछ खास नहीं, जिसमें आधी सी गरीब आदमी तो नहीं बस अपना दाल रोटी भी खाने योग्य ना रह रहा, जो पिछले सरकार थी कम से कम अपने दाल रोटी तो टाइम पे खाया करती, अब तो वो दाल रोटी भी ना रही, रोज खावे रोज मुझे बेरा है, हमारा रोड पे ही दुकान है, अपना रोजगार है, फिर भी हम आदमी मैं पढ़ी लिखी 10वीं क्लास की झाड़ू पोछा करके फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए धक्का खा रही हूँ, क्यों मेरा आम आदमी जो आधे से आदमी हमारी कमाई तो दारू में ठेकों में चली जाती है, कौन सुनवाई करता, थाने तहसील में कोई सुनवाई नहीं होती हमारी, कहीं जाओ तो गंदे गंदे आम आदमी औरत की तो कोई ज़िंदगी है ही नहीं, कहीं जाओ सुरक्षा है नहीं बेटी की ना एक लेडीज़ की। मैं इतना चाहती हूँ कोई सी भी सरकार आए, हमारी ऐसी सरकार आए जो एक बेटी को इज्जत की ज़िंदगी दी जाए, कांग्रेस या बीजेपी जब कोई सी भी सरकार, मैं तो बीजेपी तो फिलहाल है ना अबे, पर बेटी की सुरक्षा तो नहीं है बीजेपी में तो हाँ, हमारे तो जज्जर तेजातर गीता बुक्कल कांग्रेस को वोट दी है और कांग्रेस को ही देंगे। दीपेंद्र को देखो जो कुछ करवाया हुड्डा ने करवाया, जो कुछ भी जो एक ही इतना खेतों की सुविधा भी इतनी दे रखी है, हर किले गला रोड कटवा रखा है, उन्हें दिखा दो मोदी ने आज तक करे के है, 10 बार बना 10 साल हो गए मोदी ने बनते ने, मोदी ने करे के है, सिलेंडर बैठे हैं 100 बार ना सिलेंडर मिल गए कोठिया आने ने, झोगड़ी झोपड़ी आने ना मिलने सिलेंडर, राम मंदिर भी लेके आए, राम मंदिर कौन सा वो अपनी गोद से लेकर आया, राम मंदिर में हमारे कैसे ने उसे करा है, पब्लिक ने करा, पूरी जनता ने करा है, उसने अकेले ने क्या करा है, ये हटाने के ये इसके चोचले हैं बढ़न के, लेकिन अब की बार दीपेंद्र आएगा, अब की बार मोदी का कोई चांस नहीं है, मोदी ने देश जो है बैठा दिया, उसने क्या किया है, उसने हर चीज़ प्राइवेट कर दी, सबसे बड़ा तो ये है कि पहले तो माँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ दिया, ये भाण जो खड़ी है इनके आदमियान का भी ये कर दिया, आदमी कितने जाओ लुगाई कितने जाओ कहीं भी संबंध बनाओ, ये कौन सा रूल था, कहाँ था ये आज तक ये बताओ, फिर बाण बेटी किस तरह रुकेगी, बाण बेटी तो केस करने जोगी भी कौन है, अगर मैं केस कर लूँ या भाई मार दी पीट दी अपने घर आके रुक जाऊँ तो वो काम भी कौन है, कौन सा काम किया हमें मोदी ने, यो देखो ना कौन सा खटरना कराया है, जज्जर में कोई सुविधा नहीं है किससे डाल की भी, लेकिन अब की बार मोदी नहीं आएगा जज्जर तक, बाकी हमने मेरा नहीं, हमारी वोट है दीपेंद्र की, जो कुछ करेगा दीपेंद्र करेगा, पहले किया था हुड्डा ने कराया था।
अशोक जी के प्लाट मिले, सभी ने मिले, हमें तो नहीं मिला, हमारे कुछ नहीं है, हमारे बच्चे नशा करते, सबके बच्चे नशा करते, हमारी कास्ट को कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ बिहारियों के लिए करे 100 गज के प्लाट भी सब कुछ, हम खुद कमाते हैं। इसने तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी, एक राशन कार्ड था वो भी कट गया, अब तो कुछ भी नहीं हमारे पास, अब तो भूखे मरण की नौबत आ रही है। सर्विस सरकारी उनका बच्चों को करे क्या, उनके कार्ड बन रहे हैं, किनके कार्ड बन रहे हैं, जिनके चार चार सर्विस हैं, सरकारी नौकरी है, कोई फौजी है, कोई पुलिस में है, फिर फौज से रिटायर आकर फिर पुलिस में लाग रहे, उनके राशन कार्ड बन रहे हैं, बीपीएल वो भी। तो क्या करते हैं ना हरियाणा में, नंबर वन हरियाणा किसी टाइम पे कांग्रेस में जो क्या करते, इनमें कहूँ वो जीरो पे भी ना छोड़ा, जीरो पे भी ना रह रहा वो हरियाणा हमारा, रोहतक शहर जला दिया सारे, जो जज्जर जला दिया वो रह रहा है कि मैं भी ना रह रहा, मैं इसने खेल ली है इव पलोटन के ना 10,000 रुपए अब फार्म भरे गए हैं किसने, अब गरीब आदमी जन कैसे कैसे 10,000 रुपए भरे हैं, पर वो पता है कि प्लॉट मिलेगी ना मिलेगी, बोले बहन बेटी तो मशीन मिलेंगे, फिर बोले 15 दिन के क्लास दो, फिर ये प्लाटा के इनके फार्म बोले इनने पैसे भरे कुछ वो क्लास नहीं ली, फिर इनने बोले प्लाट मिल लेंगे 10,000 रुपए की किस्त भरो, नाम तो सबके दे दिए भी प्लाटा के मोदी ने, लेकिन ये प्लाट तो ना है फिर भी इनके किस्त भी ले खाली इनके 10,000 रुपए उन्होंने 3 महीने का टाइम दिया था उनको, तो काफी टाइम हो गया, खुद मैंने 10,000 रुपए भरे अपने झाड़ू पोछा करके, गरीब आदमी क्यों कर दे पैसा भरे, प्लॉट देने वाला हो मोदी तो देवे बांट करे कुछ पैसे किस बात के, गरीब आदमी ने तो वैसे देना चाहिए, और ज्यादातर तो मैं कहूँ रोजगार होना चाहिए जज्जर में, क्यों आज लेडी एजेंसियों के लिए रोजगार ना है, लेडीज तो जब है पढ़ी लिखी लेडीज भी आता ज्यादातर झाड़ू पोछा कर करके आंड रही है, वो भी 1100-1500 रुपये में, जिसमें सारे दिन धक्का अपने बच्चों ने छोड़ के, उनका भविष्य भी छोड़ कर, उनका कोई देखभाल नहीं होती बच्चों की, हमसे बुझो कुछ नहीं कर रहा है, मोदी बेकार कुछ नहीं करा जी महिलाओं के लिए, महिलाओं का तो ऐसा कर रखा है, महिला बस फांसी खाना हो रही है, कुछ नहीं करा, एक सिलेंडर पर वो होती वो सिलेंडर भी बेच दिया इसने, रेल बेच दी इसने, बस इसने बेच दिया, हवाई जहाज इसने बेच दिए, बस इसका इतना कमी रह गई है थोड़े बहुत दिन में, महिलाओं ने बेचन ना हो रहा है, तो कहीं भी महिला सुरक्षित है आज के टाइम, आजकल 5 साल की बच्ची भी सुरक्षित नहीं है, इतना गंदा राज है ये मोदी का, और कितने कांड हो रहे हैं लड़कियों के साथ, बहन बेटी कोई सुरक्षित है ही नहीं, महिला तो खत्म है, और फिर एक एक कानून और चला दिया, एक के संग दो रह लो, आप तो ससुरा रंडवा है, और रंडवा है सरकार, वो कहे ना योगी मोदी सब रंडवे, और वो आदमी आम आदमी गल्ला कर रहा है कि वो एक के गल दो दे दें, वो आदमी दूसरे के मुँह कान देखे, वो रंडवों की सरकार है, रंडवों की सरकार नहीं आनी चाहिए, कौन सी सरकार को दे, कोई सरकार फायदा तो करती नहीं है, हम लेडीजों का किसको दे आप बताओ, हम तो क्या बताएं, आप वोट का अधिकार है आपको, आप किसको दे, हमें अगर वोट का अधिकार अगर हम लोगों से मांग रहे हैं तो हम भी उनसे अधिकार मांग रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिए जाते, वो कहते हैं कि हम वोट दें हमारा अधिकार है ये, तो हम उनसे जो अधिकार मांग रहे हैं वो हमें क्यों नहीं मिलते कभी भी, तो बदले में आपको देते रहे हैं कभी उज्ज्वला के सिलेंडर कहाँ है, हमारे पास तो कुछ ही नहीं है, राम मंदिर लेके हमारे पास तो घर में जो पहले कहते थे ना कि दाल रोटी खा सकता है इंसान, वो दाल रोटी भी नहीं है, कैसे मान लें हम, हमारे पास ना कोई उज्ज्वला का सिलेंडर है, यहाँ तक कि महंगाई इतनी कर दी, बंदा प्याज टमाटर लाते टाइम भी सोचता है लाएं या ना लाएं, लाल मिर्च की चटनी बना के दुनिया खाना खाती है, इस महंगाई में क्या कहाँ से उज्ज्वला लेके आएंगे और कौन देगा, हमारे लिए तो कोई भी सरकार अच्छी नहीं आई, लेडीजों के लिए कोई सरकार ही नहीं आई आज तक, अगर ये चाहते हैं कि हम दीपेंद्र की वोट दे सकते हैं, पर इस सरकार से बेटर है थोड़ा, लेकिन दीपेंद्र लेडीजों के लिए कुछ कर देगा हमारे लिए, तो हम ये है कि भाई आज के टाइम में दीपेंद्र है, हाँ जी वार्ड 2 से हूँ मैं, तो आप अपने मन की बात बताओ, अगर किसको पार्टी को वोट देना चाहिए, जो आगे तरक्की करे, बच्चों के लिए कोई नौकरियाँ हो हम तो उसी को वोट दे देंगे, बच्चों के लिए नौकरी नहीं, हमारे बच्चे पढ़ पढ़ के फार्म भरते रहते हैं, कभी 500 का कभी 800 का कभी 500 कभी 800 का, हम यही पूरे करते रहते हैं, भाई नौकरियाँ हो तो बच्चे कम से कम पढ़ा रहे हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो कम से कम पढ़ा रहे हैं, तो को किसी काबिल तो हों कहीं, तो भाई नौकरियाँ हम झाड़ू पोछे करके उनका गुजारा कर रहे हैं, किस तरह हमने भी ये करवा भी दी बच्चों को, तो कम से कम वो किसी काबिल, वो घर ही बैठे तो फ़ायदा क्या है किस चीज़ का, बस इतना ही कहना है। तो किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? वो तो अभी मैं बता नहीं सकती,
ऐसे नहीं कह सकती मैं अभी, क्योंकि मैं अभी देखती हूँ, अभी तो 8-10 दिन है, फिर देखते हैं किसको देते हैं। देखो जो अच्छा करेगा, जो गारंटी लेगा, हम तो उसको देंगे। 10 साल मोदी ने राज किया, देखो बहुत कुछ, बहुत कुछ मोदी ने अपनी जगह भार की सरकार मेरी। देखो मैं ये नहीं कहना चाहती, भार के लिए बहुत तेरा कुछ अच्छा भी करा, बहुत तेरा कुछ खराब भी हुआ, वो तो देखो अच्छा क्या हुआ ये बताओ। देखो बच्चों के लिए पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ नहीं है इस टाइम पे, भाई बच्चे पढ़ लिख रहे हैं तो नौकरियाँ तो कम से कम हो, जिससे वो अपने काबिल अपने पैरों पे खड़े हो भाई हो सके। बाकी यूँ है कि काम धंधे कुछ नहीं है, दिहाड़ियाँ मजदूरियाँ कर रहे हैं, कभी कोई दिहाड़ी देता है कभी नहीं देता, कुछ फायदा नहीं। मैं कुछ ना मदद है ना और कुछ है। अच्छा हाँ जी, ये तो 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं, उज्ज्वला योजना भी है। देखो जी, 70 भी हटाए, जो एक जो है कार्ड जो था वो भी जो है कटवा के जो है हटा दिया, कौन सा राशन मिलता हमारे को? राशन नहीं मिलता 5 किलो ना, वो भी सब खत्म कर दिया हमारा। पिछली बार आपने किस पार्टी को वोट दिया था? पिछली बार दी थी मोदी को ही। तो आज उज्ज्वला योजना का सिलेंडर भी आपने मिला होगा? कुछ नहीं, हमको उम्मीद है कांग्रेस को। कांग्रेस से कुछ उम्मीद है? हाँ देखो, जो है जैसे भी उम्मीद होगी वैसे। किस तरह की उम्मीद लगा रहे हो कांग्रेस पार्टी से? ठीक है, वैसे देखो जो कहते हैं वो जो काम होएगा तो ठीक है, नहीं तो देखा जाएगा। वो भी कांग्रेस को देंगे हम तो। क्या कारण है कि मोदी ने अच्छे काम भी किए हैं? ना कुछ ना करते मोदी, सिलेंडर भी दिया हुआ हाँ, ना कुछ ना में। कुछ ना मिला, 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं फ्री में। हाँ अनाज मिला है बस 5 किलो और कुछ नहीं, पेंशन बनवाई वो भी नहीं आई। पीले कार्ड भी बने हैं फ्री में, कोई नाम फ्री में क्यों बने? पैसे लिए हैं जब बने, पीला कार्ड भी पैसे लिए हैं कार्ड बनाने के। हाँ अच्छा, कितने पैसे लिए? 100 रुपए लिए थे। अच्छा हाँ, अच्छा ही होंगे, एक तो रोजगार मारा गया सबका, यहाँ कोई सुनाई नहीं है किसी की भी। किस पार्टी में सुनाई नहीं है? इसमें बीजेपी में। बीजेपी में हाँ। क्या नाम है आपका? रामदास। किस समाज से आते हो? प्रजापति। किस समाज से आते हो? प्रजापति समाज। तो अब की बार किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? कांग्रेस को। क्या कारण रहा मोदी सरकार क्यों? मोदी ने एक तो सारी नौकरियां प्राइवेट कर दी। अच्छा, जो तनख्वाह है वो घटा दी नौकरियों की। 4 साल की नौकरी कर दी, 4 साल में बाद आदमी का करियर पूरा खत्म। 4 साल के बाद क्या करेगा बच्चा? मोदी ने तो जो है उज्ज्वला गैस सिलेंडर भी दिया। सिलेंडर कांग्रेस के टाइम में कभी 600 से ऊपर नहीं गया, और अब 1000 रुपए का सिलेंडर हो रहा है। अच्छा, तो फ्री में ये थोड़ी ना बांटे हैं? 5 किलो अनाज भी दे रहे हैं फ्री में, और बहुत सारी स्कीमें चलाई। तो सिलेंडर भी देखो ना, 1000 रुपए पहुँचा दिया, तेल 100 रुपए लीटर है। कांग्रेस के टाइम में कितना था तेल? कभी 60 से ऊपर ही नहीं गया, और गैस 600 से ऊपर नहीं गई सिलेंडर। तो अब किसको वोट देना चाहिए? वोट फॉर कांग्रेस। क्या नाम आपका? विजेंद्र। क्या कर रहे? टोर काट दिया मेरा तुम्हारा तो। पीला कार्ड? हाँ कट गया। और कट गया, बता क्या कर रहा? हमारा तो काम ना धंधो हुआ कुछ ना, बता। तो अनाज नहीं मिलता? ना मिल रहा बिल्कुल भी। की बार कांग्रेस सरकार, क्योंकि सबसे बड़ा कारण यह है कि इन 10 सालों में हमारे जो भी गरीबपंथी लोग थे, जो भी मिडिल क्लास थे, वो बिल्कुल ही धरती के अंदर धस गए महंगाई के कारण। जब घर 200 रुपये में चलता था, आज 600 रुपये में चलता है। कांग्रेस सरकार के राज में कभी महंगाई नहीं बढ़ी। लोग बाग कहते कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने वो कर दिया। नहीं, हम भी देखते आ रहे हैं, हमारी भी उम्र हो चुकी है, हमने भी कई इलेक्शनों में वोट दिया है, देखा है हर चीज़ लिमिट से बढ़ी कांग्रेस के राज में। लेकिन भाजपा के राज में सपीड पकड़ गई, पूंजीपति बन गए और गरीब और नीचे गरीब हो गया। एक बार मोदी जी ने कहा था, भाई मैं तुम्हारे खाते में 15-15 लाख दूंगा और काला धन विदेशों से वापस लाऊंगा। वो विदेशों से तो नहीं लाए, जो हमारी माँ बहन बेटियों ने अपनी लड़की की शादी के लिए छुपा छुपा के नोट तकियों के अंदर गद्दों के अंदर रख रखे थे, वो काला धन मोदी जी ने नोटबंदी करके निकलवा दिया। ये वो काला धन निकला है।
जो काला धन निकलना चाहिए था वो नहीं निकला, वो तो जमा हो गया कि किसी भी कंपनी वाले ने लाइन में लगा हो, खाते में पैसे जमा करवाए, नहीं केवल गरीब आदमी ने 5,000 के 500 के नोट जमा करवाए और लाइन में हफ्ता हफ्ता 10 दिन लगे। पिछली बार हम भी थोड़ा इसके लोभ में आ गए थे, मतलब भाई इपको और कर देगा कौन, पीएम मोदी झूठा झूठी सरकार फ्रॉड आदमी, केवल उसके पास एक ही पॉइंट है कि तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें खो दूंगा। केवल पूंजीपति का राज है, गरीब आदमी का कोई राज नहीं, ना यहाँ औरतों की सुरक्षा है। अच्छे दिन आएंगे मोदी ने ये कहा, बहुत अच्छे दिन, तो इससे ज्यादा क्या अच्छे दिन आएंगे जी। कांग्रेस के राज के अंदर 500 रुपए का सिलेंडर था, यहाँ 1100 रुपए का सिलेंडर हो गया, तेल 42 रुपए किलो था, तेल 200 रुपए किलो बिक गया, आज भी दाल के भाव फिर एकदम बढ़ गए, 100 रुपए से 150 रुपए दाल का रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया ये, क्या हमारे देश में फसल नहीं होती, पूरी फसल होती है, कोई अकाल नहीं पड़ता, फिर भी क्यों रेट बढ़ रहे हैं ये? इसका सबसे बड़ा कारण है कि मोदी की जो कंपनियां बनी हुई हैं, जो इनको मोदी को नोट देती हैं, वेस्ट तो करते हैं और फिर बाद में वो महंगे रेटों में बेचते हैं। राम मंदिर, मोदी ने कहा राम मंदिर बनाया, सन 1992 दिसंबर के अंदर बाबरी मस्जिद तोड़ी गई थी, क्या कोई भाजपा का लीडर उनके अंदर था? नहीं था। जो लोग मरे उनमें क्या भाजपा का कोई आदमी था? नहीं था। तो राम मंदिर बनाने में भाजपा कौन सा नेता कुर्सी धरे बैठा था जब ये मंदिर बन रहा था? राजनीति स्टंट था भाजपा का, शुरू से ही जनता पार्टी आई थी सन 77 में, उसके बाद इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया जब ये सन 80 के अंदर इनकी सरकार चली गई, केवल 3 साल सरकार रही थी, उसके अंदर भी ऐसा ही बेड़ा गर्व करा था, 2 रुपये किलो चीनी बिक गई थी, किसानों का गन्ना सड़कों पर पड़ा था उन्होंने फेंक दिया, उसने कोई उसका इस्तेमाल नहीं करा, जब भी भुखमरी थी, और अब की सरकार में अभी भुखमरी है। तो आपका मानना है कि बीजेपी सरकार ठीक नहीं आम जनता के लिए? ना, आम जनता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे देशवासियों से कि हर 5 साल में सरकार को बदलना चाहिए, चाहे वो अच्छा काम कर रही हो चाहे ना कर रही हो, कोई सरकार तो आगे कम से कम हमारी सुनेगी, हमारे बच्चों की सुनेगी। मैं तो ये कहता हूँ आपकी बात, सरकार बदल दो। मोदी दावा करते हैं 400 के पार, उसके पास क्या आगे वो 400 के पार कर देगा? पार तो हमने करना है, या तो वो बेईमानी से पार होगा, ईमानदारी से तो पार होगा। मोदी क्या श्रीलंका से राम को लेकर आए हैं या अमेरिका से राम को लेकर आए हैं? राम तो हिंदुस्तान में था और राम अयोध्या में था, मोदी कहाँ से लिया है राम? तो सारा देश कह रहा है कि मोदी लेके आए राम को। सारा देश नहीं कह रहा, केवल भाजपा वाले कह रहे हैं जो इसके पिट्ठू हैं, और कोई भी जाति ये नहीं करती कि राम वो मोदी लेके आया है, कहीं हमारा राम बंधा हुआ था या किसी ने कैद कर रखा था जो मोदी जी ले आए? अरे काला धन तो वापस ला नहीं सका, राम को कहाँ से लाएगा? ये मेरे को फायदा नहीं मिला उस सिलेंडर का, क्यों नहीं मिला मेरे को फायदा? हम गए उड़ने वाला स्कीम बंद होगी। आप क्या काम करते हो? मैं एक फास्ट फूड की रेडी लगाता हूँ, अपना गुजारा कर रहा हूँ अपने बच्चों का।